आपके पास कोई स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी इस समय है? जी सर, आप नए 4 स्टॉक लेकर आए एक बार में, नया थीम है सर, बहुत दिनों से नया थीम नहीं दिया तो मैंने सोचा चलो नया थीम दिया जाए। तो सर, दो होटल्स के स्टॉक्स हैं, मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं, मैंने बहुत पहले इसमें चर्चा की हुई है, नजर रखने के लिए, वॉचलिस्ट में रखने के लिए बोला था। एक है सर MHRIL, महिंद्रा हॉलीडेज, जी 237 चल रहा है सर, हमने 220 210 में 5-4 महीने पहले बात की थी इसके बारे में, और मैंने बोला था आप अपने वॉचेस में रख लीजिए और मैं अपने पोर्टफोलियो में ले रहा हूँ उस लॉन्ग टर्म के बेस पे। अब टेक्निकली सर हमें ये स्टॉक अच्छे लगना लग गया है, अभी चार्ट पे साइडवेज ही दिखेगा, बट जो RS है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, इसमें बनने लगा है होटल इंडस्ट्री में, तो इसलिए हम इसमें गुस्ताखी कर रहे हैं और थोड़ा सा पहले लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर इस स्टॉक को 220 के करीब का स्टॉप लॉस लगा लें, पहला टारगेट 260, 280 और 300 ये अभी लेके चले और आगे देखते हैं कैसे इसको प्ले आउट होता है, उसके बाद इसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो ये राय है MHRIL पे, पहले भी ये लोकेशन में पकड़ के रखा था और अभी भी बढ़िया तरीके से उसको देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, महिंद्रा हॉलीडेज। ठीक जी, दूसरा सर? सर दूसरा लेमन ट्री, मुझे लगा था मैंने पहले वही खोला हुआ था, बस आपने सीक्वेंस बदल दिया। ओके, लेमन ट्री सर हमने 60-62 में वॉचलिस्ट में रखने के लिए बोला था, मैंने इसको भी लिया हुआ है पर्सनली, दोनों डिस्क्लेमर है, एंड इसी भाव में लिया था 60-65-63 इसी रेंज दिया हुआ है, एंड सर ये ब्रेकआउट के कगार पे है और हमें लगता है ये स्टॉक 90 के करीब जाने के लिए तैयार हो रहा है, 60-62 के करीब का स्टॉप लॉस लगा लें, जो इसका बेस है 60-62 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड रखें, हमें लगता है 90 के तरफ आपको बहुत जल्दी इसको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेमन ट्री 90 रुपीस के टारगेट्स, और करंट लेवल्स पे एंट्री करनी है या थोड़ा नीचे? जी करंट लेवल पे कर ले, 2-3 रुपए ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो करंट लेवल्स पे एंट्री कर सकते हैं 90 रुपीस के टारगेट्स के लिए लेमन ट्री, और दूसरा MHRIL में भी सर एक बार फिर से लेवल जो है वो इंग्लिश में बता दीजिए, क्योंकि हम इसी जगह पे बाई करेंगे, करंट प्राइस में बाई करना है, स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 220 के करीब का स्टॉप लॉस होगा, एंड टारगेट जो होगा वो होगा 260, 280 एंड 300। ठीक है, 260, 280, 300 280-300 तक के टारगेट्स के लिए MHRIL बाइंग की राय, और दूसरा लेमन ट्री में भी लेवल्स बता दिए लोकेशन ने, तो ये दो उसके होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए स्टॉक्स यहाँ पे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कह रहे हैं लोकेश जी, खरीदारी करके चला जा सकता है। दोनों में सर टाइम फ्रेम कितना है, 3 से 6 महीना, 6 से 1 साल? नहीं सर, टाइम फ्रेम सर 1 से 2 महीना। 1 से 2 महीना? 2 महीना जी। अरे वाह, जो मैं नॉर्मल लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो बढ़िया है, कम समय के अंदर में और बढ़िया, और जिस तरीके का बाजार का सेंटीमेंट शायद सपोर्ट कर भी जाएगा तो वो भी बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बढ़िया है सर, ठीक है।